कमा रहे हो। ताज कितने सालों से यहां पे इंप्लॉयमेंट नहीं है। आओ कोशिश करो, ये जो आज अखंड यहां पे हुआ है, अगर पुंछ की डेवलपमेंट चाहिए, पुंछ की एकता चाहिए, अगर अगर मेडिकल कॉलेज चाहिए ना, वो एक ही जगह दुआ सकती है, डॉक्टर उदयपाल शर्मा जी दुआ सकते हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ में था, मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ से चला, कोई बोलने वाला नहीं। हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन असेंबली के अंदर वो पुट अप करना पड़ता, प्लान लाने पड़ते हैं, मगर ये मेरा छोटा भाई जिसमें 400 बोतल ब्लड इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर डोनेट किया, 400 बोतल ब्लड। डॉक्टर साहब का बोला डासा, हमारे डॉक्टर फोन करते हैं कि भाई उसको घर वाले ब्लड नहीं दे रहे, घर वाले बाहर जाते हैं, शर्मा साहब के बेटे वो खून देंगे, वो आपको नंबर बुला देते, ऐसा आप ना करें। क्यों आपने आपका बैनर लगा के इन्हें ब्लड देने शुरू किए? मैं गुरुद्वारा सामने बैठा हूँ, माता जी के गुरुद्वारा सामने बैठा, मैं अपनी माँ अपने बेटे अपने बाप को किसी को मैं ब्लड देने के लिए गुजार सकता हूँ। सर्जिकल हॉस्पिटल की अंदर हुआ करती थी ना, तो जो उसका पति होता था वो बाहर जाता था, उसका भाई बाहर जाता था, और कौन याद आता था? वाइट की फाउंडेशन स्टोन याद आता है शर्मा साहब, और ये ब्लड देते। आओ कोशिश करो कि जो आज जो यहां पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, मैं कहूंगा सच्ची सजांगरी, सच्चा सजदा, सच्चा सलाम, अगर सच्चा उनको नमस्कार करना है, ये वक्त आ गया है, वक्त आने पे तुझे बताएंगे आत्मा कितने सितारे हैं तेरी बाटल में। ये वक्त आ गया है, इस वक्त को आपने आजमाना है, और उस वक्त को आपने देखना है कि अगर हम पांच नौ ग्राम मंदिर की बात करें, वो भी जैसे यार ये क्या हो गया यहाँ पर, या तो हम तो इनको बुलाना चाहते थे, यहाँ तो मंदिर मस्जिद बन रही है, यहाँ गुरुद्वारे बन रहे हैं, तो ये शर्मा साहब ने जब नौ ग्राम मंदिर का काम किया है, वो शर्मा साहब उसकी वजह से अमर हो गए हैं। आज उनके लड़के जो डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि अगर आप एक 200 आदमी खड़ा है, तो एक 100 आदमी अगर सब अपने अपने साथ करेंगे, तो मैं स्वामी इंदिरा गांधी जी का कल हम साकरे गए, परसों हम दरे गए, हमने देखा किस हिसाब से लोग हमारे पिताजी से कितना प्यार करते थे। हमारे वालिद साहब के जो यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने अपने बच्चों को भी वो बताया है कि अगर कोई सेकुलर चेहरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो शेरे पूछ रही इकबाल शर्मा जी का था। तो आज मैं नौजवानों की बात करना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि सही तरह से कहा जाता है नौजवान ही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो आज आप देख सकते हैं जो मिसाइल है जिससे हमारे लोग जूझ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा मिसाइल है अनएम्प्लॉयमेंट। लोग कितने पढ़े लिखे हैं हमारे, अगर आप अपने छोटे छोटे मोहल्लों की अपने पंचायतों की बात करें, तो मेरे ख्याल से 80 से 90 आपको एमएससी बीएड 5-6 पीएचडी मिलेंगे, लेकिन सबके सब बेकार बैठे हैं, ओवर एज हो गए हैं कहीं, तो इतना पैसा मतलब उनके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पर कोई हमारा कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली बॉम्बे नहीं है, ये पुंछ है, यहाँ पे माल मवेशी हमारे लोग किस तरह से गुजरान करते हैं अपना, ये आप सभी को पता है। इतनी मेहनत करके वो अपने बच्चों को किसी काबिल बनाते हैं, और आज उनके बच्चे जो है वो किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, सिर्फ एक गवर्नमेंट की नलायकी की वजह से। शेम, शेम, शेम। मैं यही सोचता हूँ किस तरह से, देखो आज तक डेली वेजेस का मसला चल रहा है, हर हुकूमत आई आज 25-30 साल हो गए, उनका मसला जो है आज तक हल नहीं हुआ। कितने लोग हमारे डेली वेजेस है जो रिटायर हो गए, कुछ नहीं दिया गया उन्हें अच्छे से फेयरवेल तक नहीं देगी, उन्हें रिटायर कर दिया क्या 5,000 रुपए में? और आप बताइए 5,000 रुपए में क्या आज किसी का घर चलता है? आज दूध की कीमत ही देखी जाए तो 60 रुपए लीटर है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे नहीं इंसान का गुजारा हो सकता, तो सबसे बड़ी चीजें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, जो हमारे लोगों के मेन मसाइल हैं उसमें से सबसे बड़ी चीज है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आप खुद देख सकते हैं, हम कितनी बार यहाँ पर डिस्कॉम आते हैं, जितने भी बड़े बड़े अफसरान आते हैं, हम एक ही बात करते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको दर्जा दिया जाए जीएमसी का। एक ही मुफ्ती साहब जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा था एक टाइम अपने जलसे में, हमारे फादर साहब साथ थे, कि हमारे पुंछ को जीएमसी दिया जाएगा, वो भी रजौरी दे दिया गया, वो भी रमेड़ी दे दिया गया। तो हमारे पुंछ को मैं सोचता हूँ जो कि बॉर्डर एरिया है, शायद हमारी यही बदकिस्मती है, इसको टोटली इग्नोर किया गया है आज तक हम लीडरान ने।
तो आप देखिए कितनी बड़ी नलायकी है। आज मिनी सेक्टर का काम शुरू हुए मेरे ख्याल 10 साल से ऊपर हो गए, अभी तक वो बिल्डिंग कम्प्लीट नहीं हुई है। इतना पैसा ये गवर्नमेंट का बर्बाद करके ऐसी ऐसी जगह लगाते हैं और अभी तक वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं हुए हैं। तो आप देखिए हमारे लोगों का क्या हाल है। आज देखिए तहसील में जाना हो, मैं कहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो बना हुआ है इससे लोग बड़े दुखी हुए हुए हैं। आज 10 साल हो गए हमारे स्टेट में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, जिसको यूटी बना दिया गया, मैं कहता हूँ डिग्रेड किया गया। हमें जितने जल्दी हो सके, जैसे सेंटर से होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी जो यूटी है इसको हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इस इलेक्शन होने के बाद सबसे पहली चीज अगर हमारे पुंछ के लिए कोई करनी है तो हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। और मैं सारी यूथ से यही कहूंगा कि बहुत हो गया, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है ना किसी लीडर के खिलाफ है, लेकिन बहुत हो गया हमारे लोगों के साथ खेलना, बहुत हो गया। हर पंचायत में जाओ हर इंसान दुखी है, वोटों बस धर्म के नाम पर जाति के नाम पर वोट लिया जाता है। आज लोग बहुत समझदार है, वो दौर चला गया जब एक सरपंच का ऑर्डर होता था तो एक ही तरफा वोट पड़ता था। आज लोग खुद पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बेकार बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने तालीम तो हासिल की है, तो लोगों को सोच समझ के जो है अपना मत का दान करना चाहिए, तभी इसको मतदान कहते हैं। मत लगा के दान करें। और उन लोगों को जो काले शीशों में बैठते हैं बनने के बाद जो शीशे तक नहीं लोगों के लिए खोलते, उनको टोटली इग्नोर किया जाए। और मैं यूथ से यही अपील करूंगा, आप सबने हर बार जो नुमाइंदा यहाँ से चुना गया है वो मंडी का ही होता है, कभी पुंछ का नुमाइंदा हमें ऐसी बदकिस्मती है कभी पुंछ का नुमाइंदा नहीं चुना गया। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जैसे आप मेरे फादर साहब पे यकीन करते थे, उन्होंने कभी हमारे घर में आज तक ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई मजहब की, क्योंकि हमारी तालीम ही ऐसी है, क्योंकि हमारे दादाजी के टाइम से ये मसला चला आ रहा है लोगों की मदद का। तो हमें आपने अपना मत लगा के जिस तरह आपने मेरे फादर साहब को खिताब दिया है शेरे पूंछ का, उसी तरह मैं कहूंगा आप मेरे पे विश्वास दिखाएं। हम गरीब लोग हैं, सच्ची बात आपसे करें, हम अमीर लोग नहीं है कि कोठियों में बैठ के आपसे बात करेंगे, आपके बीच में आपके मिसाइलों को हल करने के लिए पहुंचेंगे। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, और आपको दुख सुख में शाना बशाना हर परेशानी में आपके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा आप सारी यूथ से यही अपील करूंगा, किसी की बातों में कोई धर्म जात पात का कोई मसला नहीं है। आज सबसे बड़ा मसला है बेकारी, बेरोजगारी, ड्रग्स का मसला है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। दुश्मन मुल्क अब सीज फायर है, उस सीज फायर के कारण अब ड्रग्स भेजना शुरू कर गए हैं यहाँ पे। आए दिन यहाँ पर कितनी ड्रग रैकेट जो बस किए जाते हैं, कितना मतदान करें। आप जिस तरह मेरे फादर साहब को आपने इतनी इज्जत दी है, मैं कहता हूँ आप एक बार मेरे पे यकीन दिला के देखिए, अगर कोई भी दिखी तो आप मेरे को पकड़ लेना, मैं अपने बाप का बेटा नहीं किसी रामी का बेटा होऊंगा। और मैं आप सबसे यही बात करता हूँ, एक ही नारे के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा, हिंदू कंपेल कर रहे थे कि इस बार हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस जमहूरी निज़ाम में आज 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसी के मसले में आज हमने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, जहाँ से हमने आगाज़ किया कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर उदेशपाल शर्मा जो मेरा नाम है, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। सर क्या मैनिफेस्टो रहेगा? सर सबसे बड़ा मैनिफेस्टो का जो मेन पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, आप देख रहे होंगे किस तरह बेकारी छाई हुई है। आज हमारे मोहल्ले में 65 बंदा जो है वो MSC है, आप इसी तरह हर ज़िले में जाओ गाँव के, आप खुद देखेंगे क्या बेकारी मची हुई है। आज माँ बाप जो बच्चे पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उसके बाद अगर बच्चे को नौकरी ना मिले तो आज बच्चों का भी मेरे ख्याल से पढ़ाई से दिल हट रहा है, तभी वो गलत साइड नशों की तरफ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। सर यूथ को क्या पैगाम देंगे? मैं यूथ को एक ही पैगाम दूंगा कि सारे मिलकर काम करें और चेंज लाएं, वोट फॉर चेंज, क्योंकि बहुत जो है बहुत गवर्नमेंटों ने हमारे साथ खेला है। क्योंकि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ एक ऑर्थोपेडिशियन है वहाँ पर डॉक्टर मंजीत सिंह जी जो अच्छे से काम कर रहे हैं, और शायद एक दो डॉक्टर हो रहे होंगे वहाँ पर, एक स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक अगर यहाँ पर कोई डायलिसिस हो रही है इतने अच्छे से, लेकिन हमारे पास कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर, हमारे पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और आप देखते होंगे जो डिमांड थी हमारे लोगों की, मेरे ख्याल से 30 साल से हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाए, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी रजौरी को दे दिया गया। और आप खुद देखते हैं रजौरी और जम्मू का डिस्टेंस कम है, हमें यहाँ से जम्मू पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। आज रोडों का हाल आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है, जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन ये जो 3 लेन इन्होंने बनाया, इसकी जगह वो 4 लेन एक ही बार बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता। सर फादर
आपके फादर के टाइम के जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं वो सारे बीजेपी में चले गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा किसी अपोजिशन लीडर पे। मेरे को यहाँ पर लोगों ने कंपेल किया है कि आप इलेक्शन पे उतरिए, तो मैं सभी से यही कहूँगा जिस तरह उन्होंने मेरे पिताजी को पूरी ज़िंदगी एक शेर का खिताब दिया, शेर पूंछ श्री यशपाल शर्मा जी, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलूँगा। और एक ही चीज़ जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारे अंदर समाई हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको साथ लेके चलने वाली, उन्हीं के नक्शे कदमों पे हमने चलना है और उसी को साथ लेके हमने चलना है। आज की मीटिंग से आपको क्या फीडबैक मिली? आज की मीटिंग सर ये हमारी कॉल खाली कल रात को ही हमने दी थी, हमने सोचा था सारे लोग कह रहे थे कि एक आगाज़ किया जाए, आज से हमारी टीमें बनेंगी, अभी जब नॉमिनेशन होगी आपको पता है उसके बाद हमें सिंबल मिलेगा, उसके बाद हमने बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपना प्रचार करना है। और मैं सभी पुंछ वासियों से एक ही अपील करूँगा, एक तो जो ये मीटिंग को कामयाब बनाया आप सबका शुक्रिया, और दूसरा आप मुझ पर भरोसा जताइए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो।